एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे शॉर्ट टॉपिक में चैप्टर नंबर 9 जेवण। इसमें पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। सेकंड टॉपिक है रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें। सेकंड टॉपिक रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें। थर्ड टॉपिक है प्राथमिक व द्वितीयक उपापचय, जो प्राथमिक व द्वितीयक उपापचय। फोर्थ टॉपिक है वृहद जैव अणु, वृहद जैव अणु। पांचवें नंबर का जो टॉपिक आएगा उसमें प्रोटीन। सिक्स नंबर का जो टॉपिक है वो पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से मेन मेन जो हेडिंग रहती है तो उसी के बेस पे ये टॉपिक है। सातवां टॉपिक है न्यूक्लिकम, न्यूक्लिक अम्ल। आठवां टॉपिक है प्रोटीन की संरचना। पहले पांचवें नंबर प्रोटीन है, उसके बाद प्रोटीन की संरचना। इसके अंदर की डिटेल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। नौवा टॉपिक है एक बहुलक में एक लोगों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति। तो नौवा टॉपिक है एक बहुलक में एक को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति, वाले बंधों की प्रकृति। दसवां टॉपिक है शरीर अवयव की गति अवस्था उपापचय की संकल्पना, शरीर अवयव की गति अवस्था उपापचय की संकल्पना, उपापचय की संकल्पना। ग्यारहवां टॉपिक है जीन का उपापचय आधार क्या है, जीन का उपापचय उपापचय आधार। 12वां टॉपिक है जीव अवस्था। 13वां टॉपिक है एंजाइम। अब जो एंजाइम है इसमें इसके अंदर 6 टॉपिक आएंगे, जो एंजाइम है इसके अंदर 6 टॉपिक का वर्णन करेंगे एनसीईआरटी से। जो 6 टॉपिक हैं वह है, फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। सेकेंड है एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है। जो एंजाइम होते हैं एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है, रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है, इसके अंदर की डिटेल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है एंजाइम क्रिया की प्रकृति, एंजाइम क्रिया की प्रकृति। फोर्थ टॉपिक के अंदर एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। पांचवें नंबर का जो टॉपिक है एंजाइम का नामकरण वो वर्गीकरण, एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण। अगला जो टॉपिक आएगा सिक्स नंबर का एंजाइम में सहकारक होते हैं, सहकारक। एंजाइम के नामकरण व वर्गीकरण में 6 भाग हैं। तो इसमें पहला है डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंड है ट्रांसफेरेजेज, तीसरा है हाइड्रोलेजेज। चौथा टॉपिक है हाइड्रोलेजेज हो गया,
लाइजेज। पांचवा है आइसोमेरेजेज, आइसो आइसो मेरेजेज। सिक्स है लाइगेजेज, लाइगे जेज। तो ये कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 9 के J1 के 100 टॉपिक जो NCERT पेज पे है। अब वापस रिपीट करता हूँ, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें, थर्ड है प्राथमिक व द्वितीयक उपापचय, फोर्थ है वृहत जीवाणु, इसके अंदर की डिटेल NCERT से पढ़ लेंगे। पांचवा टॉपिक है प्रोटीन, छठा है पॉलीसेकेराइड, सातवां है न्यूक्लिकम न्यूक्लिकम, आठवां है प्रोटीन की संरचना, नवा एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाली बंधों की प्रकृति, दसवां है शरीर अवयव की गति अवस्था उपापचय की संकल्पना, जीव का उपापचय आधार इसके बारे में NCERT से पढ़ेंगे। 12वां है जीव अवस्था, 13वां एंजाइम, एंजाइम में जो 6 टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर की एंजाइम के अंदर की जो डिटेल आएगी उसमें 6 टॉपिक हैं। इसमें पहला रासायनिक अभिक्रिया, सेकंड एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है, एंजाइम क्रिया की प्रकृति, फोर्थ है एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जो पिच में है पीएच वो क्रियाधार की सांद्रता है, ये सब एनसीईआरटी से। एंजाइम का नामकरण और वर्गीकरण, जो एंजाइम का नामकरण और वर्गीकरण होगा उसमें 6 आएंगे, हाइड्रोलाइजेज, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलाइजेज, लाइजेज, आइसोमरेजेज, लाइगेजेज, और 6 है ऐसा कारक।